जब आर्य यहाँ आता है वैदिक काल के लोग तो लोहे के बिना का आर्य और लोहे के साथ का आर्य उनके हर चीज में परिवर्तन। 1000 बीसी के पहले लोहा नहीं था और हड़प्पा का आदमी उसी प्रॉब्लम के कारण इन जगहों को छोड़कर अन्यत्र चला गया। आर्य जब वहां से चला तो इनको खेती बाड़ी करना आता है, क्योंकि आपको पता चुके हैं उपनिवेशवादी इतिहासकार अपने को एकदम ले जाके हंगरी में टिकाए हैं, हंगरी रूस जर्मनी वहां से आए हैं, खानाबदोश आदमी थे, लोरी भी बोलता है, खेती करना नहीं आता था। जाहिर बात है लोहा नहीं होगा तो खेती कहां से करेंगे, तो क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे, भोजन के लिए दो में से एक ही काम करेंगे। पशुपालन करेंगे तो हजार हजार गाय पालेंगे आपको, क्योंकि उसी पर सब कुछ है। कारण बताते हैं, हम अकेले तो है ही नहीं, अभी कबीलाई समाज है, हमारा पूरा ट्राइबल एक साथ रहेगा, अनुकबीला एक जगह रह रहा है, तो 2000 आदमी के लिए दूध चाहिए तो गाय भी तो 1000 होगी। तो क्या देख रहे हैं, उन 1000 गायों को लेकर के जब हम निकलेंगे चराने के लिए तो जाहिर बात है कि बीच में शेर भी आएगा, लकड़ा बकरा भी आएगा जो आक्रमण करेगा। अब आगे और पीछे हम बैठे हैं, बीच बीच में भी खड़े हैं, तो भी कैसे पता चलेगा कि लकड़ा बकरा है। हालांकि इसका उपयोग प्री हिस्ट्री से है, लेकिन यहाँ बताते हैं इसलिए हमने कुत्तों को पालतू बनाया, डॉग्स लेके जो गाय के दोनों तरफ चलेगा और वो जो है भौंकने लगेगा अगर ऐसा कुछ देखेगा, दौड़ पड़ेंगे कभी लेगा 20 आदमी। तो इस तरीके से लेके निकलते थे और हमको दूर से दिखाई दे वहां कुछ है तो क्या करेंगे, घोड़े पे बैठ जाते हैं। अचानक आर्यों के लिए घोड़ा हो गया महत्वपूर्ण, क्योंकि गाड़ी नहीं चाहिए ना, घोड़ा चाहिए खाली। अगर घोड़ा गाड़ी चाहिए होता तो फिर बेचारा बैल पे आके बैठ जाता, लेकिन चाहिए खाली घोड़ा तो कोई बात नहीं है, फिर तो लोहा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घोड़े के साथ चल रहे हैं। आर्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था घोड़ा, उसका कारण यही था। तो वैदिक काल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वैदिक काल में सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में एक आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, आपने पढ़ा वेद ब्राह्मण अरण्य पिछले क्लास में। अब ऋग्वेद पर जो लिखा गया है ब्राह्मण और अरण्य और उपनिषद कहेगा इसका नाम बताइए। अब चार वेद, अब चारों वेद के ऊपर ब्राह्मण अरण्य और उपनिषद अगर रटना पड़े तो क्या हाल होगा जरा सोचिएगा। तो एक फॉर्मूला है, अभी ये लिखाएंगे, लिखिएगा जब बोलेंगे, फॉर्मूला है रै 222। ये आज आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाया। आर से होता है वेद का नाम, जब भी हम कोई फार्मूला बोले ना तो पहला जो नाम रखेंगे वो होगा वेद का नाम। तो आर से निकला ऋग्वेद, ठीक है। अब 222 आप क्या जानना चाह रहे हैं, ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। तो पहले ब्राह्मण लिखा गया, फिर अरण्य लिखा गया, फिर उपनिषद लिखा गया, यानी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण दो अरण्य और दो उपनिषद हैं। ये दिमाग पर सेट कर लिए। तो नाम तो दो ही है, यानी इसी नाम का ब्राह्मण, इसी नाम का अरण्य और इसी नाम का उपनिषद है। आप अगर ए का मतलब समझ जाए तो ए से होता है ऐतरे, इसका मतलब ऐतरे ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक संधि कर दीजिए, ऐतरेयोपनिषद उपनिषद संधि कर दीजिए। के से होता है कौशितिकी, कौशितिकी ब्राह्मण, कौशितिक्यारण्यक, कौशितिक्योपनिषद। केवल एब्रिविएशन जानेंगे ना दिमाग में, रैक 222, तो दो ब्राह्मण दो अरण्यक दो उपनिषद, अच्छा आर ऋग्वेद एके, ये दो ही नाम बचा और कुछ नहीं है अब्रिविएशन। इसका मतलब ये दोनों नाम जो है ब्राह्मण का अरण्य का उपनिषद का, ए फॉर ऐतरेय के फॉर कौशितिकी, हेडिंग दीजिए प्रमुख वेदों के ब्राह्मण अरण्य उपनिषद। आज आपको रिटन भी कॉपी को सिखाया कैसे आंसर लिखिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी अब्रिविएशन लिखा है।
वेद के प्रमुख ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। लिखिए पहला हेडिंग दीजिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। अगला लिखिए रैक 222। फिर लिखिए आर के नीचे, आर फॉर ऋग्वेद, आर आर के नीचे ऋग्वेद एब्रिविएशन, ए के ऊपर ऐत्रेय, के ऊपर कौशितिकी। फिर उसके नीचे लिखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण, तब लिखिए ऐत्रेय कौशितिकी, इसलिए कि हर बार ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखने का आदत डालिए, अगला वाला में बदलेगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण डैश देके लिखिए ऐत्रेय कौशितिकी। फिर लिखिए ऋग्वेद के अरण्यक ऐत्रेय कौशितिकी। ऋग्वेद के अरण्यक ऐत्रेय कौशितिकी। और ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय कौशितिकी। देखिए जरा अब घटते हुए क्रम 222 से 10 कम किए 212, दो ब्राह्मण एक अरण्यक और दो उपनिषद। अब फार्मूला है साता जय छा, सा का मतलब हुआ सामवेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद लिखा गया है। अब देखिए तो दो ब्राह्मण यानी ता और जय नाम से ब्राह्मण, एक अरण्यक यानी केवल जय नाम से अरण्यक है, और दो उपनिषद छा से पीछे है, ये जय और छा नाम से उपनिषद। अब ता से होता है तांडव, जय से होता है जैमिनी है, और छा से होता है छांदोग्य। देखिए तो छांदोग्य उपनिषद हुआ है, ये कितनी बार परीक्षा में पूछा है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से है, ठीक है। देखिए तो ब्राह्मण तांडव जैमिनी दो ब्राह्मण हुआ, ओनली जैमिनी अरण्यक हुआ, और जैमिनी छांदोग्य के नाम से उपनिषद हुआ 212। लिख डालिए इसको। दूसरा सामवेद के ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद, और उपनिषद लिख डालिए सा से सामवेद, साता जय छा 212, सा से सामवेद, ता से तांडव, जय से जैमिनी, छा से छांदोग्य।
आप देखिए कृष्ण यजुर्वेद के, यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, कृतय कश्यवेद 122 यानी एक ब्राह्मण एक अरण्यक दो अरण्यक दो उपनिषद। देख लीजिए कठोपनिषद कठ अरण्यक लग रहा है ना अपने आप को एब्रीविएशन। क्री से कृष्ण यजुर्वेद, देखिए एक ब्राह्मण ठीक ना, दो अरण्यक दो उपनिषद। तय तैतरीय, तैतरीय नाम से ब्राह्मण और अरण्यक दोनों है। कठ कठारण्यक कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, मतलब यहां से क्वेश्चन प्रोग्रेस्ट होता ही होता है। चारों वेद लिखा देते हैं, फॉर्मूला के साथ याद चल जाइएगा। तो कृतय का समय 122, एक ब्राह्मण तो कृतय तय से तैतरी, दो अरण्यक तो तैतरी और कठ अरण्यक, दो उपनिषद कठ उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद। लिख डालिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। तो 212 है यानी ये 112 घटते हुए कर एक ब्राह्मण एक अरण्यक दो उपनिषद। सु मन शुक्ल यजुर्वेद, एक ब्राह्मण एक अरण्यक दो उपनिषद, ब्रीन और ई नाम से उपनिषद। सा से होता है सतपथ, तो सतपथ ब्राह्मण। ब्री है बृहद, तो जब इसको कहेंगे अरण्यक तो बृहदारण्यक, और जब कहेंगे उपनिषद तो बृहदोपनिषद। और ई है इस यानी ईशोपनिषद। लिख डालिए प्रमाणिक उपनिषद, वर्णा उपनिषद तो 108 है जो मान्यता है इतिहास में वो बताए। अब लास्ट बच गया अथर्ववेद, वो दिखाते हैं इसके बाद। शूसा ब्री ई सतपथ बृहद और इस से नीचे जाएंगे 10 लगभग जाते हैं, देखते हैं ना। तो 102 के जगह 103 112 से नीचे। एक ब्राह्मण कोई अरण्यक नहीं और तीन उपनिषद, क्योंकि 0 103। आ से हुआ अथर्वेद, गो से हुआ गोपथ यानी गोपथ ब्राह्मण। देखिए मुंडक इसीलिए कहते हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्न इसीलिए कहते हैं प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य इसलिए कहते हैं मांडुक्योपनिषद।
अब अगर 15 अक्टूबर को ये आता है क्वेश्चन तो पूरा क्लास दिखाइएगा सर हमने सही किया है, देख रहे हैं एकदम आसान करके बता दिए कि आप इसको कैसे याद रखें। अब लोहा नहीं मिलने के कारण हमारा जीवन था घुमनपुर, तो हम एक ही कबीले के लोग, मान लीजिए हम अनु कबीले के हैं, कोई यदु कबीला का है, कोई द्रुह कबीला का है, कोई भरत कबीला का है, कोई गुरु कबीला का है, हम जब निकलेंगे घूमने तो कहाँ निकलेंगे घूमने, जहाँ चारा गाह मिलेगा, गोचर भूमि, क्योंकि जानवर को खिलाने के लिए घास चाहिए। तो पता चला कि कबीले का आदमी अलग अलग जगहों पे चारा गाह खोजने निकले। अब गोचर भूमि खोजने के लिए खोजते खोजते मान लीजिए कि अपने पहुंचे लुनावाड़ा और अपने हैं यह अनु कबीला का, अब उधर से यदु कबीला भी आ गया खोजते हुए, तो वहां पे क्या होगा, झगड़ा होगा। तो पूर्व वैदिक काल में युद्ध के कारण क्या क्या थे, तो गोचर भूमि की तलाश एक हो गया, दूसरा खेती नहीं करना चाह रहे क्योंकि आता ही नहीं है, लोहा भी नहीं है, तो दूध पी के रहेंगे गाय, तो गाय हो गई इंपॉर्टेंट, इसका मतलब गाय चुराना उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो लेके भागेगा, युद्ध का दूसरा कारण क्या होगा, पशु चोरी, ठीक है ना। अब कभी भी ना आप अनुभव करिएगा, दो ट्राइबल जो अलग अलग हो उनको बिठाइए, ठीक ना, देखिए थोड़े देर में उन्हें ये बातचीत होता है कि नहीं कि मेरा ट्राइबल ज्यादा बड़ा है आपके तुलना, और आधा ज्यादा लड़ाई इसी पे होता है कि किसका कबीला श्रेष्ठ, तो अनु कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, यदु कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, तो तीसरा युद्ध किस कारण से होगा, कबीलों की श्रेष्ठता बदला। तो यायावर जिंदगी के कारण ये एक युद्ध भी हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक युद्ध है दशराग युद्ध, दस राजाओं का युद्ध, दस राजाओं का युद्ध है, लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि दशराग युद्ध में कितने राजाओं ने भाग लिया था तो 11, एक तरफ दस राजा का संघ था और एक तरफ एक राजा था भरत कबीला उसका सुदास, तो क्या हुआ टोटल कितना भाग लिया था, 11, इसीलिए कहते हैं उसको दशराग युद्ध की एक तरफ दस राजा का संघ था, अनु यदु तुर्वस द्रोह ये जितने थे पुरु ये पांचों मिलकर के एक हुए, ये आर्य कबीले थे, और अलिन पक्कत सिबी भलानस विषाणी ये पांच कबीले थे जो आर्य नहीं थे, आर्य भिन्न कबीले, अब वो दोनों मिलाकर के 10 का एक संघ बनाया और वो लड़ गया भरत कबीले के साथ, और भरत कबीले का राजा सुदास और उसकी जीत हुई, तो भरत कबीला जीत गए। कई बार हारने वालों में जो शक्तिशाली होता है उसके साथ गठबंधन करने का मन करता है कि दोबारा प्रॉब्लम नहीं है, तो हारने वालों में पुरु सबसे महान था, तो भरत को लगा कि ये चुनौती ना दे दे, इसलिए दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और धीरे धीरे वो दोनों कबीला डायल्यूट होकर के एक हो गया, अब तो नया नाम रखना पड़ेगा, इसीलिए वो बन के हुआ पुरु कबीला। जैसे ही लोहा मिलेगा ये कब्जा करेगा एक क्षेत्र पे, कहेगा ये पुरु क्षेत्र हमारा है, अब जीवन स्थायी हो गया, तो भरत और पुरु मिलकर के बन गया पुरु। हम लोगों के कोचिंग के लाइफ में कई बार शब्दों का वार भी होता है, एक लोग दूसरे के ऊपर मैंने कुछ बोलते भी हैं फेसबुक के माध्यम से, ये सब के माध्यम से, तो तकलीफ नहीं होता है, बराबरी में है वो भी कर दिया। कई बार तकलीफ कब होता है, मान लीजिए कि आप छात्र हैं, एकदम लगभग समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रजिस्टर दिखाए थे 2014, बाद में आप क्लास खोल लिए, अरे तो क्लास खोल लिए तो विद्यार्थी हैं हमारे, सफलता पा लिए, तो पिछला जीपीएससी के समय जब ये सिलेबस आया तो मेरा विद्यार्थी जो क्लास खोला है वो जीपीएससी के सिलेबस के समय अपने को दिखाने लगा था कि हम बहुत जानते हैं, ठीक है नॉलेज हो सकता है, गुरु गुरु रह गया तो चीनी बन गया चला, लेकिन अंत में रिजल्ट बता दिया कि 4 रिजल्ट खोजने में हालत खराब हो गया,
उसको चार फोटो भी नहीं दिखा पा रहा, इसलिए गली गली घूम के अभी सेमिनार कर रहा कि किसी तरह लड़का जाने। तो अक्टूबर नवंबर में डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा उसके साथ। तो हमने ही सबसे पहले वो कंसेप्ट लाया कि अब हम लॉन्ग टर्म बैच एक लॉन्च करेंगे जून महीने में परीक्षा के बाद, जो अभी आपको दे रहे हैं 6 महीना पढ़ाएंगे। हमको देख के पूरा गुजरात लाया लॉन्ग टर्म। लेकिन एक कहावत है कि टिकट तो लाए दिल्ली से, मैंने मान लीजिए कि राहुल गांधी का पैर छू टिकट लेकर आ गए, पर वोट कहाँ से लाओ? अरे वोट तो दाऊदे का आदमी देगा, तो यहाँ ना दार जमना चाहिए। द कंसेप्ट चुरा लेने से किसी का आप अच्छे ट्रेन नहीं हो जाएंगे कोचिंग पर। चलाया हूँ देव गिर गया क्योंकि लॉन्ग टर्म का मकसद नहीं मालूम था। आज तक गुजरात में कोई कोचिंग के पास ये कंफर्म नहीं है घोरन 12 पच्चीस 3 साल क्या पढ़ाएंगे। मेरा दिमाग का ऊपर वो हम चलाते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए आप एड देख लीजिए कि मेरे जैसा कोई क्लियर कट लिखता हो कि 2018 में घोरन 12 की परीक्षा अपील विद्यार्थियों माके फ्री से, वो गालमेल करेगा घोरन 12 ऑब्लिक FY ऑब्लिक SY ऑब्लिक सबको पढ़ा दो यार एक ही बार। जब हम 6 महीने चलाए ना उस क्लास को, तो मेरे मन में आया कि इस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ा के, जो अभी आपके मन में आ रहा है जो पीड़ा हम आपसे रोज बोलते हैं, कि इसको हम एक बार प्री तो तैयार कर देंगे। 500 लोगों का प्री निकाले थे पिछली बार GPSC मेन में, वो अंधे मुंह गिर जाएगा क्योंकि उसको रिटर्न नहीं तैयार कर। GPSC का कोई डेट था नहीं उसमें, तो नवंबर अक्टूबर में एक तीर चला दिए, नाम रखे मेगा लॉन्ग टर्म। पर बोले कि 12 महीने का ये क्लास होगा, जो पढ़ चुका है 6 महीना वो अगला 6 महीना पढ़ेगा, जो नया आएगा वो अगले साल के अक्टूबर तक पढ़ेगा। तो मेरा वही विद्यार्थी जिसका रजिस्टर आपको दिखाई, जब वो देखा तो मारा कॉपी, वो भी मेगा लॉन्ग टर्म, और बड़ा अच्छा फेसबुक पे कमेंट रखा कि अब दशराग युद्ध होगा। तो भाई इतिहास पढ़े हुए होना चाहिए, विश्वास में चाहे आप ही आते हैं पढ़ने कितना भी फैकल्टी हो, लेकिन रीढ़ में तो सुदास है ना, हम भरत कबीले का हेड सुदास है जो एडमिशन कराता है, पढ़ा पढ़ा करके एडमिशन कराता है। अब तुम तो टीम बना बैठते हो, तुम्हारा तो बस चले ना, तो हड़प्पा कोई और पढ़ाए वैदिक कोई और पढ़ाए, हम एक आदमी है आपको दो ही विषय पढ़ाते हैं, हम एक आदमी है जो गांधीनगर में वो मेंस जो चला था पिछली बार, इतना अच्छा रिजल्ट इसीलिए आया कि गुजरात छोड़ करके सब कुछ अकेले पढ़ाए थे। तो हम कंप्लीट पूरे विद्यार्थी को बोले 7 बजे से 2 बजे तक तुम्हारा खत्म करेंगे, आज इसीलिए ये नंबर आया। तुम बोले हम सुदास, तुम 10 राजाओं का संग, और तुम इतिहास नहीं पढ़े हो इसलिए दशराग युद्ध में हारोगे तुम ही, हमने हारे क्योंकि हम तो भरत कबीला है। अब तुम गठबंधन करके बैठे हो अलीन पक्कत सीबी बिजानिंग बलाना जितना भी है जोड़ लिए हो केकड़ों को, एक तुम्हारे टीम में अच्छा आदमी नहीं है जिसको नॉलेज हो। हमारे बिहार में कहावत है कि बकरी छकरी हल में नहीं चलता है, बकरी से कहीं हल जुकता है, क्लास 1-2 है, क्लास 3-4 नहीं है कि कोई भी चला देगा। तो ये जो चीज है ना, ये पढ़िएगा तब देखिए ना पाकिस्तान को, नाम रखता है बाबर, अरे मूर्ख बाबर पहले तुम्हारे यहाँ आक्रमण किया था हमारे यहाँ किया था, ये जो मिसाइल रखे हो बाबर ही पहले तुम्हारे यहाँ फूटेगा कि मेरे यहाँ फूटेगा ये बताओ, मिसाइल का नाम क्या रखता है गोरी, तो गोरी पहले कहाँ आक्रमण किया था, गजनी कहाँ आक्रमण किया था, इसका मतलब कि तुम सही में 70 बरस हो गया मूर्ख के मूर्ख ही हो, नहीं तो तुमको तो नाम जिन्नान रखना चाहिए, भाई मेरा मिसाइल जिन्ना है, मेरा मिसाइल नवाज है, मेरा मिसाइल इमरान है, तो समझे कि तुम कुछ रखे हो, जिससे पहले तुम पिटे हो उसी नाम रखे हो, सब फूटेगा तुम्हारे यहाँ पहले। तो क्या कहते हैं ये जो है इतिहास जो नहीं पढ़ा होता है वो यही सब कांड करता है। हम लोग इतिहास पढ़े हुए देश हैं इसीलिए हम लोग नाम नहीं रखेंगे ऐसा, नाम वही रखेगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। अब जरा इतिहास में आगे बढ़िए कि कबीले के युद्ध का कारण देखे, दशराग युद्ध देखे, एकदम फिक्स क्वेश्चन है पूछेगा कि इसका प्रधान कौन था, इस तरफ कितने लोग थे जो इस युद्ध में भाग लेते। जैसे ही लोहा मिला अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन अस्थायी होने लगा। धीरे धीरे हमने क्या किया, एक गांव में
10-20 मकान बना के रखने लगे आसपास के खेत में खेती करने लगे, क्योंकि लोहा मिलने से जो हड़प्पा काल में मिट्टी की फलद्रुपता खत्म हो गई थी, अब ये मिट्टी लोहा का हल पलट गया, क्योंकि वो ज्यादा डीप जाएगा मिट्टी और पलट देगा, तो मिट्टी के पलटते ही फलद्रुपता वापस आ गया और हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, सरप्लस प्रोडक्शन। आप जरा बताइएगा कि सरप्लस प्रोडक्शन से क्या क्या अंतर, क्या क्या आ सकता है चेंजेस। अब तो लोहा भी मिल गया, अब इक्का गाड़ी क्यों, अब तो दुक्का गाड़ी, अब दुक्का गाड़ी क्यों, अब तो रथ पे सवार होते हैं, घोड़ा गाड़ी, और माल दूर दूर ले जाके बेचते हैं। अब जरा सोचिएगा कि अब जो आप वो ब्राह्मण धर्म की बात समझाना शुरू करेंगे कि वैश्य वर्ग अब तुमको तीसरे नंबर पे रहना पड़ेगा, वो कहेगा कैसे रहे भाई, अब तो हम शहर में अनाज बेच करके सरप्लस पैसा कमा के आ गए, शहर में मकान भी बना लिए, हम नहीं रह सकते हैं तीसरे नंबर पे। शूद्रों में अवेयरनेस आ जाएगा, शूद्र कहेगा कि मैं तो खेती करता हूँ और आप तो खेती प्रॉफिटेबल हो गया, तो मेरे पास भी धन धान्य है, अनाज भरा हुआ है, मैं कैसे चौथे नंबर पे रहूं। लोहा बौद्ध धर्म के उदय का कारण, देख रहे हैं ना, यहां से जोड़िएगा, लोहा मगध के उत्कर्ष का कारण, कि अचानक समाज का ये दो वर्ग के अंदर एक लीडरशिप खोज रहा था कि कोई तो मिले, क्योंकि ये दो वर्ग तीसरे चौथे नंबर पर है, नेतृत्व नहीं कर सकता, नेतृत्व किया छत्री। लोहा के मिलने से छत्रियों में आत्मविश्वास क्यों आया, अब लोहे के रथ कवच माथा में टोप लोहे का, ठीक ना, और रथ को ऐसे लोहे के दीवार से घेर दिए और सामने वाले के पास तांबे का धनुष है, बाण है, तो अब हम लंबा लंबा क्षेत्र जीत सकते हैं। अब हमको देवता की क्या आवश्यकता कि ब्राह्मण पूजा करेगा तो ही हम क्षेत्र जीतेंगे। इसलिए क्षत्रियों में संघर्ष प्रारंभ हो गया कि मैं अब नंबर वन आपको मार नहीं सकता हूं, अब मेरे हाथ में सब कुछ आ गया, और वही क्षत्रिय ब्राह्मणों के संघर्ष का परिणाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कि लीडर दोनों का कौन है, क्षत्रिय, और उसने रास्ता दिया और वैश्य और शूद्र उनके साथ आके खड़ा हो गया। क्या हुआ, ब्राह्मण अकेला बन गया। ब्राह्मणों में जो उदार था कि नहीं सबको समान मिलना चाहिए, वो भी उठ के बौद्ध धर्म में चला गया। कुल मिलाकर के क्या देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म अचानक लघुमती हो गया। तो जरा सा अब हम लोग जाने कि उत्तर वैदिक काल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम पड़ता है पूर्व मौर्य काल, और ये इसलिए बोलना जरूरी है कि आपका सिलेबस यहाँ कटा हुआ है। सिलेबस कहता है कि बौद्ध और जैन पढ़ना है और समाप्त हो जाना है। आप बताइए कि पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध को अपने वृद्धावस्था में हम प्रश्न बना रहे हैं, वृद्धावस्था में निम्न में से किस महाजनपद के शासक ने निमंत्रण भेजा था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अभी महाजनपद कहाँ से आ गया भाई, आप तो कहे थे बौद्ध धर्म पढ़िए, तो इसका मतलब है कि महाजनपद नहीं भी है सिलेबस में न, तो हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रश्न जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ, कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी, लीजिए हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, आप कौन से कोर्ट में जाएंगे केस करने की, ये जो है सिलेबस के बाहर का है। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुजरात में भी जो विद्यार्थी वर्ग है बहुत भोला है बेचारा, उसको नॉलेज नहीं है उतना, मतलब इंफॉर्मेशन की कमी है, इसीलिए वो जीपीएससी का ऐसे पॉकेट से निकालता है मोबाइल में सिलेबस, अब मिला के घटिया किताब लेके घर चला जाता है और उसका उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आज जिस दिन हमारे बिहार के जैसा यहाँ का विद्यार्थी हो गया एकदम तेज तरह, वहां जाते हैं दुकान पर ना, लेखक का नाम बोलकर बोलते हैं कि इसका ही चाहिए है, तो बोलो ने पगल वाला क्या खरीद ली, उस दिन दुकानदार जो है ना बाध्य हो जाएगा अच्छे किताबों को रखने के लिए। आप एक छोटा सा घटना देखिए, जब गुजरात का लड़का योजना मैगजीन गुजराती में ठीक ठाक पढ़ने लगा तो आ गया कि नहीं गुजराती में, आता था पहले भी लेकिन जानते हैं मैच नहीं करता था हिंदी से, अब सरकार को लगने लगा करे गुजरात में भी, हम लोग तो योजना मंगाते हैं ना दिल्ली से, 700-800 नहीं जाता था पूरे राज्य में, 500-600 में पूरा राज्य पढ़ लेता था योजना, जरा सोचिएगा मैगजीन तैयारी हम 15,000 कर रहे हैं 20,000 कर रहे हैं, बिहार यूपी में 30,000 लोग योजना पढ़ रहा है मैगजीन, हम नहीं पढ़ रहे हैं,
क्या करेंगे, तो कौन छापेगा गुजराती में? जिस दिन हम 2,500 पे पहुंचे, देख लीजिए गुजराती में छपने लगे। आज आप 5,000 में पहुंच जाइए, अब क्वालिटी तो है ही लिखने में, सेम लेख होता है गुजराती में, लेकिन अभी भी छपाई क्वालिटी नहीं है, कलरफुल पेज महंगा पड़ेगा ना। आप 2,000 ये भी खरीद लें, आप 10,000 लोग हो जाएंगे, देखिए तो एकदम हिंदी जैसा कलरफुल पेज आता है कि नहीं आता है। तो हम जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे ना, तो दुकानदार रखने के लिए बात हो जाएगा। तो जरा अब देखें कि आखिर ये पूर्व मौर्य काल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है।